पश्चिम मध्य रेलवे रनिंग स्टाफ के सदस्यों द्वारा आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर उन्होंने रेल प्रबंधन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए रनिंग स्टाफ कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पश्चिम मध्य रेलवे रनिंग स्टाफ के सदस्यों द्वारा आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर इन्होंने रेलवे प्रबंधन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए रनिंग स्टाफ कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारी नेता पीआर मिश्रा ने बताया कि रेलवे में रनिंग स्टाफ के 20% पद खाली हैं, लेकिन रेलवे द्वारा इनमें भर्ती नहीं की जा रही है। वहीं इनके हिस्से का काम वर्तमान में रनिंग स्टाफ के लोगों द्वारा कराया जा रहा है। यह रनिंग स्टाफ 16 घंटे लगातार काम कर रहे हैं, जिसके चलते इन्हें मानसिक रूप से परेशान होना पड़ रहा है। रनिंग स्टाफ के द्वारा पूर्व में भी बात की जानकारी जबलपुर रेल मंडल के प्रबंधक को दी गई थी, लेकिन आज तक इनकी समस्याओं का निपटारा नहीं किया जा सका। वहीं लगातार मिल रही प्रताड़ना के चलते रनिंग स्टाफ के लोगों द्वारा अब वॉलेंटरी रिटायरमेंट लिया जा रहा है। रेल कर्मचारियों का कहना है कि रेलवे प्रबंधन द्वारा अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो यह लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। जी, मैं पीआर मिश्रा, सहायक महामंत्री WCRU। जैसा कि आपको हमारे मंडलाध्यक्ष शुक्ला जी ने बताया, निश्चित रूप से इस समय मंडल प्रशासन द्वारा और रेलवे बोर्ड द्वारा रनिंग स्टाफ के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है, चाहे वो OT का भुगतान के मामले में हो, माइलेज के मामले में हो, और लगातार 16-16 घंटे हमारा रनिंग स्टाफ काम कर रहा है, जिससे उसकी मानसिक दशा में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उसके शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे रनिंग स्टाफ ने इस समय इसी परेशानी से तंग आकर के उन्होंने अपना वॉलंटरी रिटायरमेंट लिख दिया है। जिनके 2-3 साल नौकरी के बचे हुए हैं, उन लोगों ने इस प्रशासन से तंग आकर के लगातार जो है लोग बाग रिटायरमेंट लिख रहे हैं। और लगातार हमारा स्टाफ जो है प्रत्येक माह कोई ऐसा महीना नहीं बचता जिसमें 2-4 स्टाफ हमारा मेडिकली डिकटराइज ना होता हो। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आज ये जो धरना रखा गया है, और अगर इसके बावजूद भी प्रशासन हमारी बात को नहीं सुनता है तो अगली कड़ी में हम भूख हड़ताल और रेल रोको आंदोलन करेंगे। रनिंग स्टाफ कितना बचा है, कितने लोगों की जरूरत है? रनिंग स्टाफ हमारा लगभग जो है 20% जगह खाली है, और वो भरने की कवायद रेल प्रशासन नहीं कर रहा है, तो बाकी लोगों का जो कार्य का बोझ है वो भी हमारा जो काम कर रहा है उसके ऊपर ही बोझ पड़ रहा है। जबलपुर मंडल प्रशासन के तानाशाही के कारण आज जबलपुर मंडल का रनिंग स्टाफ बेहद प्रताड़ित है और परेशान है, और लगातार स्पैड के केस बढ़ रहे हैं। रिक्त पद पड़े हुए हैं, उनको भरा नहीं जा रहा है। लोगों को इस महीने माइलेज किलोमीटर भत्ता नहीं दिया गया। इसके अलावा बात बात पर चार्जशीटें दी जा रही हैं, छोटे छोटे मामलों पर इतनी ज़्यादा ड्राइव चलाई जा रही सेफ्टी की, और उसमें क्वेश्चन नंबर के आधार पर उनसे जवाब पूछा जा रहा है। इतना सारा कुछ प्रताड़ना दी जा रही है कि लोग इतने तनाव के माहौल में ड्यूटी कर रहे हैं कि कब कौन सी बड़ी दुर्घटना हो जाए, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से मंडल रेल प्रशासन की होगी। हमने 16 तारीख को प्रत्येक लॉबी में गेट मीटिंग की, उसके बाद धरने का नोटिस दिया। रेल प्रशासन के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि हमारे नोटिस का जवाब दे या फिर मीटिंग करके समस्याओं का निराकरण करे। भर्तियां नहीं हो रही हैं, पद खाली पड़े हैं, लोग ओवर टाइम कर रहे हैं, OT का भुगतान भी नहीं हो रहा है, और इसके अलावा लोगों को छुट्टी और रेस्ट नहीं मिल पा रहा है, और कोई छुट्टी चला जाए, एक दिन एब्सेंट हो जाए, ज़्यादा लग जाए तो उसको चार्जशीटें दी जा रही हैं। DRM स्वयं जो पनिशमेंट मिल चुका है, उन पनिशमेंट को सुओ मोटो लेकर के वो पनिशमेंट बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब DRM के पास यही एक काम रह गया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के WCRU के द्वारा आज ये एक दिवसीय धरना किया जा रहा है। रनिंग स्टाफ बहुत संवेदनशील स्टाफ है, अगर शीघ्र इनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो इतना प्रशासन को याद रखना चाहिए कि जो स्टाफ गाड़ी चला सकता है वो कभी भी ट्रेन को बंद भी कर सकता है, और तब इनके कान में जूं रंगने का काम होगा। BN शुक्ला, मंडल अध्यक्ष WCRU जबलपुर।